जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आपकी तरफ से बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिला। हम लोगों ने 3 लाख सब्सक्राइबर की सीमा प्राप्त कर ली है, 5 करोड़ से ज़्यादा हिट्स मिले हैं। इस सब के लिए, इतनी बड़ी सफलता के लिए आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद है। रोज की तरह पुनः एक बार फिर हम लोग बात करेंगे आज के पंचांग, आज के राशिफल और आज के महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। अंग्रेजी तारीख 15 अक्टूबर 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दिन है रविवार का, नक्षत्र है मघा, योग है शुभ और करण है बव। अगर तिथि, व्रत, पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो रमा एकादशी की आज तिथि पड़ रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा, एक टारगेट, एक डेडलाइन सेट करना होगा, तब तो जाकर के आप अपने काम को तय समय में पूरा कर पाएंगे, अन्यथा आपका काम आज अधूरा रह जाए, ऐसी संभावना ज़्यादा है। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। खराब स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज न करें, आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने काम और रहन सहन के तौर तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता होगी। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके हित में रहेगा। कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त न हो, आपके लिए शुभंक बनता है 7 और शुभरंग बनता है सुनहरा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात होगी, आपका सामाजिक जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार होगा, सामाजिक दायरे का, सोशल सर्किल का विस्तार होगा, जिससे आपको बहुत अच्छे नए कनेक्शंस भी मिल सकते हैं। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 5 और शुभरंग बनता है बैगनी। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने काम को पूरा मन लगा करके, ध्यान लगा करके करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा आप बना करके ना रखें, आपके लिए शुभंक बनता है 4 और शुभरंग बनता है भूरा। सिंह राशि। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी हो सकती है, जिसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा सकता है, तो आज आपको अपनी तरफ से ये ध्यान रखना है कि किसी गलतफहमी की संभावना को आप पनपने ही न दें। ओम पाशांकुश धराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आप सचेत रहें, आपके लिए शुभंक बनता है 6 और शुभरंग बनता है हरा। अब बात कन्या राशि की। आपका कोई करीबी आज आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको उसकी बात माननी चाहिए। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मन की चंचलता को आप नियंत्रित करें, आपके लिए शुभंक बनता है 2 और शुभरंग बनता है काला। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अगर किसी से कोई बात करनी है या अपनी कोई भावना व्यक्त करनी है, कोई आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो जो भी बात करें, जो भी कुछ आप कहें,
बहुत सोच समझ करके बहुत नपातुला कहें, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति है कि आज आपकी अपनी वाणी से, अपनी बातचीत करने के तौर तरीके से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ओम परस्मै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। यात्रा करने से बचें, आपके लिए शुभंक बनता है 3 और शुभरंग बनता है सफेद। वृश्चिक राशि, आपके बॉस आज आपको प्रमोशन देने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके मेहनती स्वभाव के कारण ऐसे सोच विचार की स्थिति जन्म लेगी, तो मेहनत से पीछे मत हटिए। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। कटु वचन ना बोलें, आपके लिए शुभंक बनता है 7 और शुभरंग बनता है नारंगी। धनुराशि, आपका लापरवाह स्वभाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें आज पैदा कर सकता है, तो आज अपने काम में आप लापरवाही ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले भविष्य में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। व्यापार में साझेदारी ना करें, आपके लिए शुभंक बनता है 8 और शुभरंग बनता है सिल्वर। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पुरानी बातों को लेकर के बैठने का दिन आज नहीं है, आज का दिन है मेहनत करने का और आगे बढ़ने का। ओम धीराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने की योजना हो तो उससे बचना चाहिए, आपके लिए शुभंक बनता है 1 और शुभरंग बनता है ग्रे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को कोई नए जॉब का ऑफर आज आपको मिल सकता है। दूसरों की गलतियों को खोजने और निकालने से पहले आपको अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिए बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए, आपके लिए शुभंक बनता है 3 और शुभरंग बनता है कत्थई। अब बात मीन राशि की, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी बात को लेकर के आज आपको काफी गुस्से की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए। ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। शेयर मार्केट में आप निवेश न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 6 और शुभरंग बनता है पीला। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। कार्यक्रम के आरंभ में हमने चर्चा की आज के पंचांग के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, और आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष, एक चमत्कारी उपाय से धन से मालामाल कर देंगे आपको हनुमान जी। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि क्या है ये उपाय। आज के युग में लक्ष्मी प्राप्त करना या धन प्राप्त करने के लिए भक्तजन अलग अलग देवी देवताओं की, भगवानों की पूजा आराधना करते हैं, उनको मनाने में, कृपा प्राप्त करने में लगे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति कम समय में धनवान बनना चाहता है, उसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोजाना रात को सोने से पहले हनुमान जी का एक छोटा सा चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय करने पर बहुत कम समय में धनवान बना जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, रात को सोने से पहले पूरे विधि विधान से ये चमत्कारी उपाय करें। जिस स्थान पर हनुमान जी की पूजा करें वह स्थान पवित्र और साफ सुथरा होना चाहिए। पूजा के दौरान अपना तन और मन पवित्र रखें। इस पूरी विधि विधान से आप हनुमान जी की अगर पूजा आराधना करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। आपको करना यह है कि रोजाना रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने तेल का, चमेली के तेल का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, इन तीनों में से किसी भी एक तेल का दीपक आप जला सकते हैं। सूर्यास्त के बाद ही दीपक जलाएं और दीपक मिट्टी का होना चाहिए। रुई की बत्ती और सरसों का तेल उस मिट्टी के दीपक में आप डाल सकते हैं। इसके पश्चात हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति का बुरा से बुरा समय भी टल जाता है और गंभीर से गंभीर दरिद्रता भी दूर होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रामायण या रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, या रोजाना आप इनके दोहे पढ़ने का क्रम भी आरंभ कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी की धूप, अगरबत्ती और फूल अर्पित करके उनकी पूजा आरती करें। हनुमान जी का फोटो घर में पवित्र स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। दूसरी मान्यता ये भी है, एक तरीका ये है कि आप अपने घर में ईशान कोण में हनुमान जी को ऐसा लगाएं
जिसमें वो दक्षिण दिशा को देख रहे हों या दक्षिण पश्चिम दिशा को देख रहे हों, लेकिन जिन लोगों के साथ शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा होती है या कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे लोगों को दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही मैंने दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा के महत्व के बारे में बताया था। उस परिस्थिति में आपको हनुमान जी को अपने घर के पूजा स्थान में या अपने ऑफिस, फैक्ट्री, कारखाने के पूजा स्थान में दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थापित करना होता है, यानी हनुमान जी को आप साउथ वेस्ट में बैठाएंगे और फिर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी त्यौहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी की विशेष श्रृंगार चोला समर्पित करना या विशेष पूजा पाठ का कुछ आप अनुष्ठान कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को 11 पीपल के पत्तों से एक चमत्कारी उपाय आप और करें। पत्तों को साफ पानी से धो लें, उसके बाद इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें ये पत्ते समर्पित कर दें। आप लाल कलावे में एक माला के स्वरूप में भी ये पत्ते हनुमान जी के गले में धारण करा सकते हैं। ऐसा करने से जीवन के सारे दुख और दरिद्रता चमत्कारी रूप से तुरंत ही कुछ समय में दूर होने लगती है। प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जो है वो हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा, जिसे बनारसी पान भी कहते हैं, वो समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे सुझाव और उपाय आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और निश्चित ही आप इन्हें जब प्रयोग में लेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा बदलाव अनुभव होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन उपायों को देखने और जानने के बाद दूसरों की सुविधा के लिए, लाभ के लिए शेयर जरूर किया करिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि हनुमान जी आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।